हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल व्यूज़। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रहे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। वहां पर अब कोई राइनो बचा नहीं है। आपको पता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सिर्फ मतलब एक नेशनल पार्क है जो बिहार में, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और अब उसमें कोई भी राइनो नहीं बचा है। आज बात करेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में, राइनोस के बारे में, और भी थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें, फैक्ट्स बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं क्या न्यूज़ है। न्यूज़ यही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो एक बचा हुआ राइनो था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, वो अभी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। मैंने सोर्स लिखना भूल गया, ये सोर्स देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, वहाँ से मैंने ये फ़ोटो उठाया है। वैसे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मिलेगी, इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी मिलेगी। लगभग हर न्यूज़पेपर ने कवर किया है इस टॉपिक को कि बिहार में जो एक राइनो बचा था वो अभी मर चुका है, शुगर कैन फील्ड में मरा हुआ मिला। और इसे माना जा रहा है कि ये पोचिंग से मरा है। पोचिंग से मतलब ये शायद शुगर केन के फील्ड में घुस गया होगा और लोगों ने इसे मार दिया है। ठीक है, किसी भी तरीके से। ठीक है, ये अपने आप नहीं मरा है और ना ही इसे किसी जानवर ने खाया है। कोई इस तरह के एविडेंसेस नहीं मिले हैं अभी तक। जो एविडेंसेस मिले हैं यही एविडेंस है कि ये पोचिंग का शिकार हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं राइनो और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि राइनो, देखिए राइनो जो होते हैं दो तरह के राइनो मिलते हैं वर्ल्ड में, ब्लैक राइनो और वाइट राइनो सबसे पहले। और राइनोज की जो वेट होती है वो 800 से 1500 ग्राम्स केजी होते हैं। यानी ये जो राइनोज होते हैं ना, ये मेगाफौना के रूप में आते हैं। मेगाफौना वो होते हैं जिनकी वेट टन से, एक टन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन्हें मेगा फौना के कैटेगरी में भी हम लोग डालते हैं। आपको पता है फ्लोरा एंड फौना वगैरह, वो वाले फौना मेगा फौना इसे बोलते हैं। मेगा फौना के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इसकी 1000 केजी से ज़्यादा वेट होती है। तो राइनोस को मेगा फौना के कैटेगरी में रख सकते हैं। ये मेनली अफ्रीका और साउथ एशिया में पाई जाती है। ये फैक्ट आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जो साउथ एशिया में पाई जाती हैं उसे इंडियन, जावा, सुमात्रन, ETC ये देते हैं। और ब्लैक भी होती हैं यहाँ इधर की राइनोस, तो ब्लैक की कैटेगरी है वगैरह वगैरह। और जो अफ्रीका में कुछ मिलते हैं वो वाइट राइनोस भी मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो दूसरी कैटेगरी है वो होती है सिंगल हॉर्न और डबल हॉर्न। ठीक है, बहुत सारे राइनोज होते हैं जिनके दो हॉर्न होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने फोटो लगाया है सिंगल हॉर्न वाले का। देखिए जूम करके आप देख सकते हैं, ये सिंगल हॉर्न वाले हैं। ठीक है, ये देखिए ये सिंगल हॉर्न। तो बहुत सारे होते हैं जो सिंगल हॉर्न होते हैं और बहुत सारे होते हैं जो डबल हॉर्न होते हैं। ठीक है, तो जो मेनली इंडिया और सुमात्रन जो इंडियन होते हैं जो, ठीक है, ये अफ्रीकन और सुमात्रन जो वो डबल हॉर्न होते हैं, और जो होते हैं इंडियन, जावन, ब्लैक, वो सब जो होते हैं वो सिंगल हॉर्न होते हैं। ठीक है, अभी कुछ फैक्ट्स देखिए जो मैंने विकीपीडिया से उठा कर लिया यहाँ पर लिए हैं कि ये जो किंगडम जो है एनिमलिया से बिलोंग करते हैं। आपको पता होगा एनिमलिया किंगडम क्या है। अगर आप कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एनिमल किंगडम होते हैं। और एनिमल किंगडम में ये एनिमलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट किंगडम है, जिस एनिमलिया में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। ठीक है, और ये फाइलम क्रोडेटा से बिलोंग करता है, यानी इसकी बॉडी बाइसिमेट्री होती है। और भी कुछ फैक्ट्स होते हैं, ये वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये मैमल कैटेगरी में होते हैं, यानी अपने बच्चों को ये फीड कर सकते हैं, उन्हें दूध पिला सकते हैं, स्तनधारी होते हैं। ठीक है, ये बच्चे पैदा करते हैं वगैरह वगैरह, काफ़ी फैक्ट्स मैमलिया से जुड़े तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मैमलिया से बिलोंग करता है और क्रोडेटा से बिलोंग करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी IUCN अभी स्टेटस क्या है। IUCN आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो लिस्ट जारी करती है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिस्ट में राइनोज हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होता है आप देख सकते हैं, वो थ्रेटेंड की एक कैटेगरी में आता है। IUCN जो लिस्ट है वो तीन कैटेगरी में मेंटेन करती है, एक एक्सटिंक्ट, एक थ्रेटेंड और एक लोअर रिस्क। मेनली और भी कैटेगरीज हैं जो डाटा डिफिशियंट और नॉट इवेल्युएटेड कैटेगरी में, पर ये इंपॉर्टेंट है एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड और लोअर रिस्क। एक्सटिंक्ट मतलब वो खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। एक्सटिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब जो अभी जंगलों में नहीं मिलते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में नहीं मिलते हैं, वहाँ से खत्म हो चुके हैं। थ्रेटेंड मतलब ये समझिए क्रिटिकल है, ये जिनको अभी हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये थ्रेटेंड कैटेगरी है, जिनको अभी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अपने नेशनल पार्क्स में रख के, अपने बोटानिकल गार्डन्स वगैरह में रख के, कहीं पर भी रख करके इनको हम बचा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रख सकते हैं, इनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इनके ब्रीडिंग करा करके इनकी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो मतलब अभी थ्रेटेंड की कैटेगरी में जो है उनका प्रोटेक्शन पॉसिबल है, लेकिन ये दोनों कैटेगरी जो है वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इनकी। तो ये दोनों जो है एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसी थर्ड नंबर में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है हमारे राइनोज। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इनकी क्या स्टेटस है अभी हमारे वर्ल्ड में। ये लगभग लुप्त होने के कैटेगरी में जा रहे हैं, ये लगभग अब थोड़े दिन में फिर लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना होगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्टेटस इनको दी गई है राइनोज को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और मैमेलिया कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं।
ये राइनो से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। अभी समझते हैं क्या इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इनकी इतनी पोसिंग होती है चाइना से और वियतनाम से वगैरह में। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए इनके जो हॉर्न होते हैं ना उसमें केराटिन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन। आई होप आपको पता होगा केराटिन प्रोटीन्स ह्यूमंस में भी पाई जाते हैं, जो हमारे हेयर्स और नेल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे नेल्स और हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा, किन किन को नहीं पता था प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इनके हॉर्न्स में जो होते हैं वो केराटिन पाए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये केराटिन जो होते हैं इनके ह्यूमन बॉडी में मेडिसिनल वैल्यूज ऐड करते हैं, मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ इनके पास होती हैं, ये हीलिंग में काम करते हैं, ठीक है। एंटी एंग्जाइटी प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, इनका इनको क्रश करके इनके पाउडर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, इस हॉर्न के, और उसमें से क्रिएटिन जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इनके एंटी एंग्जाइटी प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर होती हैं, तो डिप्रेशन वगैरह में काफ़ी हेल्प करता है ये केराटिन प्रोटीन, ठीक है। यानी इस हॉर्न की कितनी इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी मेडिसिनल वैल्यू ऑब्वियस से बात है, जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज होगी, जिस जानवर की भी किसी भी ऑर्गन की मेडिसिनल वैल्यूज होगी तो वो काफ़ी होते हैं, समझते हैं वो उनकी पोचिंग होती है, हंटिंग होती है, और काफ़ी वो थ्रेटन्ड स्पीसीज होते हैं, ठीक है। तो ये मेनली वियतनाम और चाइना वगैरह में इनकी मेनली पोचिंग वगैरह होती है, उधर ज़्यादा बिजनेस होते हैं। आपको बता दूं कि इसकी जो कॉस्ट होती है ना एकदम गोल्ड की वैल्यू की तरह होती है, जितनी महंगी गोल्ड बिकती है उतना ही महंगा ये हॉर्न्स भी बिकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्यों ये थ्रेटेंड कैटेगरी में आ गए, धीरे धीरे लोगों ने कितनी पोचिंग की होगी सालों साल, और आज ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं राइनोस, ठीक है। अभी बात करते हैं जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है हमारा बिहार में, उसका और राइनो का रिलेशन, मतलब उनकी हिस्ट्री बात करते हैं। तो सबसे 2017 से पहले हमारे यहाँ कोई राइनोज नहीं था, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और उसमें कोई भी राइनो नहीं था 2017 से पहले। आपको बता दूं कि जब फ्लड आया 2017 में, उस वक्त लगभग 11 राइनोज चितवन नेशनल पार्क से उठ करके हमारे यहाँ आ गए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चितवन नेशनल पार्क कहाँ है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर, और मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊँगा। अगर आपको पता है तो प्लीज़ पॉज करके आप बता दें आंसर यहाँ पर, और ठीक है। तो 17 राइनोस क्या हुआ, उस फ्लड में हमारे यहाँ पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद मैंने हिंट भी दे दिए चितवन नेशनल पार्क कहाँ है, क्योंकि फ्लड आप समझ सकते हैं कहाँ से आता है हमारे बिहार में, ठीक है। तो 10 उसमें से भेज दिए गए वापस गुडविल जेस्चर के थ्रू, जहाँ से भी आए थे, जिस कंट्री से भी आए थे, मैंने आपको बताया उसका नाम बताने के लिए, तो उसको भेज दिया गया वापस, और एक हमने रख लिया जो वो एक फ़ीमेल राइनो थी, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें फ़ीमेल थी या मेल थी, पर हम लोगों ने एक रख लिया अपने बिहार में ही। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि एक और राइनो ऐसे ही चहलकदमी करते हुए हमारे टाइगर रिजर्व तक पहुँच गया, तब दो हमारे यहाँ बन गए, दो हो गए राइनोस हमारे यहाँ हो गए। लेकिन 2019 अगस्त में एक राइनो फिर से मर गया, तो एक अकेला राइनो बचा रह गया, वो जो कि अभी मई में 19 को मर चुका है कल, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन पहले से भी नहीं थी राइनो की, जो 2017 में कुछ राइनो हमारे यहाँ आए राइनोस, अब वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब समझते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि आपको मैंने बता दिया बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, जो ठीक है जहाँ पर टाइगर वगैरह भी होते हैं और भी जानवर हैं, काफ़ी जानवर हैं इस नेशनल पार्क में, और एक ही नेशनल पार्क है अपने यहाँ, ठीक है। और ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के किनारे पर, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊँगा, वेस्ट चंपारण जो है हमारा वहाँ पर है, बेतिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर वेस्ट चंपारण में पाया जाता है नेशनल पार्क है हमारा ये बिहार का, जो कि गंडक नदी के किनारे है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता है इंडिया में 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के दिन डिक्लेयर किया गया था, अनाउंस किया गया था कि 2967 यानी 2967 टाइगर्स हैं, जिसमें से 31 टाइगर हमारे बिहार में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे यहाँ बिहार में VTR में कितने टाइगर्स हैं, तो 31 टाइगर्स हैं आउट ऑफ 2967, ठीक है। तो देखिए ये ज़रा देखिए मैप में, ये अपना प्यारा बिहार है, और यहाँ पर ये किनारे वेस्ट चंपारण वेस्ट में आ गए हमारा, ये चंपारण, ये बेतिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और पास में ही हमारा यहाँ पर देखिए बगल में इसके थोड़ा सा नॉर्थ साइड जाएंगे तो ये हमारा नेपाल मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि चितवन नेशनल पार्क कहाँ है, तो चितवन नेशनल पार्क जस्ट इसके थोड़े ही दूर पर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद वही नेपाल में थोड़े ही दूर पर चितवन नेशनल पार्क है, यानी आस पास ही हैं ये दोनों नेशनल पार्क, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर समझ आया तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।